Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn how to use get object plus third form. Friends, कई लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि get object plus third form का क्या यूज है और स्पोकन इंग्लिश में हम इसे कैसे यूज करेंगे, तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है और डेली यूज में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत बोले जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि कोई काम किसी से करवाओ तो आप गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पंखा खराब है, तो अगर आप कहें पंखा ठीक करवाओ, आपको ये नहीं कहना है कि पंखा ठीक करो, बल्कि आपको ये कहना है कि पंखा ठीक करवाओ, तो आप गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझें। अगर आपको कहना हो कि पंखा ठीक करवाओ, तो आप कहेंगे गेट, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट द फैन, और ठीक कराना यानी रिपेयर, थर्ड फॉर्म में बोला जाएगा रिपेयर्ड। गेट द फैन रिपेयर्ड यानी पंखा ठीक करवाओ। इस सेंटेंस से पता चला कि आपने सेकेंड पर्सन से कहा कि ये काम किसी थर्ड पर्सन से करवाओ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा कहना हो कि पंखा ठीक करो, तो आप कहेंगे रिपेयर द फैन। लेकिन अगर कहना हो कि पंखा ठीक करवाओ, तुम ना करो बल्कि इसे करवाओ, तो आप कहेंगे गेट द फैन रिपेयर्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि उसे बुलाओ, तो आप कहेंगे कॉल हिम। लेकिन अगर आपको कहना हो कि उसे बुलवाओ, तो आप कहेंगे गेट, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे थर्ड फॉर्म गेट हिम कॉल्ड। अगर आपको कहना हो कि उसे पीटो, तो आप कहेंगे बीट हिम। लेकिन अगर आपको कहना हो कि उसे पिटवाओ, पीटो नहीं बल्कि उसे पिटवाओ, तो आप कहेंगे गेट हिम बीटन, यानी गेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि कमरा साफ करो, तो आप कहेंगे क्लीन द रूम। लेकिन अगर आपको कहना हो कि कमरा साफ करवाओ, तो आप कहेंगे गेट द रूम क्लीन्ड। अगर आपको कहना हो कि उसे पढ़ाओ, तो आप कहेंगे टीच हिम। लेकिन अगर आपको कहना हो कि उसे पढ़वाओ, पढ़ाओ नहीं बल्कि उसे पढ़वाओ, तो आप कहेंगे Get him taught, उसे पढ़वाओ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि शर्ट धुलवाओ, तो आप कहेंगे wash the shirt। लेकिन अगर आपको कहना हो कि शर्ट धुलवाओ, धुलो नहीं धुलवाओ, तो आप कहेंगे get the shirt washed। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि काम पूरा करो, तो आप कहेंगे complete the work। लेकिन अगर आपको कहना हो कि काम पूरा करवाओ, तो आप कहेंगे गेट द वर्क कंप्लीटेड। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि उस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पे आप कहते हैं कि किसी से कोई काम करवाओ, जैसे लेटर लिखवाओ, सब्जी मंगवा लो, नाश्ता पकवा लो, एक लैपटॉप खरीदवा लो, फीस जमा करवा दो, इस तरह के सेंटेंसेस आप बड़े आसानी से बोलेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।